पूरब में छाई अब लाली, ये वो बंदिश है जिसका रियाज पंडित अवध किशोर पांडे, जो कि मेरे पिता गुरु हैं, उन्होंने बताया है। हमारा जो सवेरे का रियाज है, मॉर्निंग वोकल रियाज, उसमें ओमकार मंत्र, बारह खड़ी, बीज मंत्र, अलंकार, स्वर विस्तार के बाद जो टेक्निक आती है, जो बंदिश है, ये उनकी रची हुई एक बंदिश है, उन्होंने ही लिखा है, उन्हीं की कंपोजिशन है कि पूरब में छाई अब लाली, है ना। तो इसको कैसे गाते हैं, इसमें क्या क्या स्वर लगते हैं और कैसे इसको हारमोनियम पर बजाएं, उसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि आप लोगों का सवाल रहता है कि आपने सारी टेक्निक्स बताई हैं, इसमें भी कैसे कैसे स्वर लग रहे हैं, कैसे बजाना है, वो एक बार बता दीजिए, तो मैं एक बार उसके नोटेशंस जो हैं इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। एक बार मैं उसको गा दूंगा, फिर अगली फ्रेम में आप देखेंगे कि सिर्फ मैं हारमोनियम दिखाऊंगा और हारमोनियम में ही आपको उंगलियां और पूरे नोटेशंस वो मैं आपको पूरा गिन के और उस हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और सीखिए पूरब में छाई अब लाली कैसे बजाते हैं हारमोनियम पर। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। पूरब में छाई अब लाली, पूरब में छाई अब लाली, भोर भई फूली हर डाली, पूरब में छाई अब लाली, जाग जाग पंछी अब जागे, फूलना पे भावरा अब लागे, जाग जाग जागा हर माली, पूरब में छाई अब लाली, गगम बगम रे सपूरब में, गगम बगम रा बगम बगम कर सपूरब में, सने दवा दम बगम रा बगम रा बगम बगम कर सपूरब में छाई अब लाली। तो ये वो बंदिश है जिसकी मैं बात कर रहा था, पूरी ऐसे आपको सुनाई देगी। अब एक एक लाइन दर लाइन हम चलते हैं और एक एक स्वर हम इसमें समझते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे उसका स्थाई अंतरा दोनों आ रहा है, जो बंदिश है, पूरब में छाई अब लाली, भोर भई फूली हर डाली, ये स्थाई है। अंतरा है जाग जाग पंछी सब जागे, फूलन पे भंवरा सब लागे, जाग जाग जागा हर माली, पूरब में छाई अब लाली। ये स्थाई अंतरा आप अलग से लिख लीजिए, उसके बाद ये बंदिश भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस बंदिश में, जैसे कि खाली से ये बंदिश शुरू होती है। अब सपोज़ आपने लिख लिया होगा तो अब आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये 16 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो तीन ताल यानी धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो खाली जो है नवी मात्रा पर यानी कि यहाँ पर आती है और यहाँ से ये बंदिश शुरू होती है कि, और स्वर जो इसके आपने नोट करे होंगे तो हैं कि सारे गम पध पम, पूरा दुगुन में जा रहा है, सारे गम पद पम रे नी ध, ये सारे गम पद पम यहाँ से तो जो था वो मध्य सप्तक का था, रे ये भी मध्य सप्तक है, उसके बाद खरज यानी मंद्र सप्तक में आते हैं, नी ध, फिर सम आता है, रे रे ग रे ग रे सा,
तो ये पूरी आपकी 16 मात्राएं हो गई हैं। सा रे ग म प ध प म रे नी ध रे रे ग ग रे सा, ये पहली लाइन है। अब शब्द है इसमें जैसे जैसे सा रे ग म, तो इसमें पू यहाँ तक जा रहा है। फिर प ध प म र ब पू र ब, ये चार अक्षर हैं। फिर मे छा ई अब ला ली, ये इसके 16 मात्राओं में पहली लाइन आ जाती है। फिर आप देखें जो दूसरी लाइन आती है वो भी खाली सही है, ध प म ग म प धनी, है ना, भो र भ सा नी सा, ये तार सप्तक है, सा नी सा यानी ई फू, ये शब्द इस पर हैं। फिर ध सानी रेसा, ये सम से आता है, ली हर, फिर ध प यानी डा ली, ये हमारा स्थाई हो गया। पू र ब, वैसे ये यूं है क्योंकि ये दुगुन में है ना, चार मात्राएं। पू र ब मे छ ई अब ला ली, भोर भई फूली हर डाली। फिर आते हैं हम अंतरे पर, वो भी खाली से ही उठता है हमारा, ध प म ग रेसा नी नी, ध प म ग रेसा, ये उतरे हैं अवरोहात्मक, और फिर नी लगाया है, नी के बाद एक मात्रा छोड़ के नी नी, है ना, तो यानी ध प म ग रेसा नी नी, ये जो नी है यहाँ पर ये मध्य सप्तक का है, नी नी डैश, फिर ध पे समा जाता है, ध धनी नी ध प। फिर आते हैं दूसरी लाइन पर, इसके एक बार शब्द देख लीजिए, जाग जाग पन छी, छी पर सम है, छी सब जागे। फिर आते हैं दूसरी लाइन पर, ध प म ग रे सा नी नी नी, ये भी सेम कंपोजिशन है, सेम स्वर है इसमें, बस शब्द बदलेंगे, फूल न पे भाव रा सब ला गे। फिर आते हैं आखिरी लाइन पे जो कि अंतरे की है, प ध प ध प, ये फ्रेज है, प ध प ध प, प रे सानी ध प म ध प म ग रे सा, है ना, जाग जाग ग जा गा हर माली, ठीक है। तो ये तो एक बार हो गई, आपने देख ली, अब इसको बजाएंगे कैसे वो देख लीजिए। पहली लाइन सा रे ग म प ध प म, सा रे ग म प ध नी सा, ये पहली काली से भैरव के स्वर हैं, सा रे ग म प ध प म, ये फिंगर पोजीशन देखिए, सा रे ग म प ध प म रे, है ना। अब जाहिर बात है कि जब आप बंदिश बजाते हैं तो कई बार हाथ को उठाना पड़ता है, उंगलियां थोड़ी फेर बदल करनी पड़ती है, जरूरी नहीं है कि एकदम फिंगर फॉर्मेशन सही आए। अब जैसे अगर इसमें सारे गा म प ध प म रे, ये आप अगर लगाते हैं, या फिर सारे गा म प ध प म रे, है ना, तब भी जो है नी पर अगर ये लगाते हैं तो हाथ हल्का सा मुड़ेगा, तो इसीलिए कई बार हाथ उठाना पड़ता है कई जगहों पर, है ना, हर बार पॉसिबल नहीं है कि फिंगर्स एकदम सही आए, है ना, कोई हमेशा तोड़ हो उसका। तो सा रे ग म प ध प म रे नी ध, है ना, पूरब में छाई, है ना, हल्की सी आपको फिंगर्स बदलनी पड़ती है उठा उठा के, सा रे ग म प ध प म रे छाई अब लाली, सा रे ग म प ध प म रे नी ध रे रे ग ग रे सा। फिर सेकंड लाइन, भोर भाई ध प म ग म प ध नी सा ध सा नी रे सा ध प ध प म ग म प ध नी सा, है ना, ध प म ग म प ध नी सा ध सा नी रे सा ध प, ठीक है, ये हो गया स्थाई। फिर अंतरा,
धापा मगरे सानी, धापा मगरे सानी नी, है ना, धापा मगरे सानी नी, धा धनी नी धापा, धापा मगरे सानी नी, धनी नी धापा, जाग जाग पंछी सब जागे। ऐसी ही दूसरी लाइन भी है, धापा मगरे सानी नी नी दा नी दा, फूलना पे फूलना, है ना, ऐसे बांट इसकी जा रही है, फूलना पे भावरा सब लागे। छोटे छोटे फ्रेज प्रैक्टिस कीजिएगा, जाग जाग जा, है ना, जाग जाग जागा हर माली। ठीक है, तो ये पूरी बंदिश हो जाती है। इसका प्रयास कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए नोटेशन, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोस को, और मैं लाता रहूँगा कुछ ना कुछ ऐसे ही नए वीडियोस। धन्यवाद।